सो हाय गाइस, तो फाइनल ईयर क्यूसेट ने अपनी सेकेंड अलॉटमेंट रिलीज कर दी है। अब इस काफ़ी बच्चे इस बात को लेके परेशान थे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है परेशान होने वाली बात भी थी, क्योंकि 20th का डेट था, 4 दिन हो चुका था, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। तो फाइनली इन्होंने यार पब्लिश कर दिया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बीटेक एंड इंटीग्रेटेड एमएससी के सेकेंड अलॉटमेंट का लास्ट डेट ऑफ पेमेंट जो दिया गया है वो आपका 30th of September तक का दिया गया है, ठीक है। तो आपके पास 5 से 6 दिन है, आप उसके बीच में डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और आप फी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप जब लॉगिन करोगे अपने प्रोफाइल में तो कैसा होगा। देखो, मैंने एक बच्चे का किया था यार, तो उसको इस राउंड में, सेकेंड राउंड में उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अलॉट हुआ है क्यूसेक में, सेकेंड कैंपस में, ठीक है। अभी देखो इसके पास क्या ऑप्शन है, इसका रैंक आपका 2075 था। अगर इसको कन्फर्म करना है अलॉटमेंट, तो उस केस में इसको यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और पेमेंट करना पड़ेगा, और अगर नहीं करना है तो कुछ नहीं करना, इसका अपने आप सीट कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मान लो कि इसे कंफर्म करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट होगा हमारा, सबसे पहले आपका सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट, कुछ भी दे सकते हो 10th का, और उसके बाद आपको 12th का मार्कशीट यहाँ पे देना है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, और अगर मान लो ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है अभी तक, तो आप उसके इसमें डिक्लेरेशन दोगे, कि उसमें लिखोगे कि मेरे को अभी तक ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, और हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हम अपने फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम से पहले तक हम यूनिवर्सिटी में अपलोड कर देंगे, यूनिवर्सिटी को हम ये सर्टिफिकेट जमा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका कंडक्ट सर्टिफिकेट। कंडक्ट सर्टिफिकेट क्या होता है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, और अगर मान लो अभी तक नहीं मिला, सेम चीज़ आप डिक्लेरेशन दे सकते हो। उसके बाद है आपका डिक्लेरेशन टू प्रूफ नेशनैलिटी। नेशनैलिटी प्रूफ करने के लिए आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। अभी देखो, ये अगर मान लो आपके पास नहीं है, आप कन्फ्यूज हो कि कहाँ से लेंगे, तो इसके लिए क्या करो, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप रिसोर्सेज में जाते हो, तो यहाँ पे आपको नेशनैलिटी डिक्लेरेशन फॉर्मेट दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करो। ये जो PDF आया, इसको डाउनलोड करो और यहाँ पे फिल करो, जो भी आपसे पूछ रहा है, आपका नाम पूछ रहा है, आपका क्यूसेट में कौन सा ब्रांच हुआ है, वो सब आप यहाँ पे फिल करके, साइन करके, प्लेस और डेट देके आप सबमिट। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे, उसके बाद जब सबमिट करोगे, उसके बाद आपका पेमेंट गेटवे ओपन होता है, ठीक है। उससे पहले आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, और ध्यान रखो, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो आपकी एडमिशन कैंसिल कर दी जाएगी, ठीक है। और बहुत बच्चे पूछते हैं कि क्या इस बार 2 राउंड ही काउंसलिंग होगा, तो अभी तक तो 2 राउंड ही चल रहा है, लेकिन अब इस राउंड के बाद हो सकता है कि और भी राउंड एक्सटेंड हो सके। क्यों, देखो बहुत बच्चे इसमें क्या होगा कि सीट छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का जेईई मेंस में अच्छा रैंक आ गया होगा, तो जिस वजह से इनको सेकेंड अलॉटमेंट में भी कुछ ना कुछ अलॉट हुआ होगा, लेकिन वो छोड़ रहे हैं, तो अभी क्या होगा, सीट वैकेंट होगा। तो हो सकता है कि राउंड्स करवाएंगे या फिर डायरेक्ट स्पॉट राउंड करवाएंगे, लेकिन स्पॉट राउंड करवाने में दिक्कत ये होता है कि बहुत बच्चे पैसे पहले पे करने होते, इस वजह से स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो जिस वजह से क्या होता है कि कई बार राउंड को एक्सटेंड कर दिया जाता है। लास्ट ईयर भी इन्होंने किया था, तो चांसेस है कि राउंड एक्सटेंड हो जाए, बट देखो क्या होता है अभी, ठीक है। तो फिलहाल जिनको भी अलॉट हुआ है यार, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि किसको क्या अलॉट हो रहा है, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, फी पेमेंट करो, ठीक है। और भी कोई हेल्प लगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, ठीक है। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।